बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। माँ के अनमोल खाने में खुश आमदीद। माँ बाप शजर हैं, माँ बाप बड़े अनमोल हैं, इनकी कदर कीजिए। महरमुल हराम का मौका है और रूह अफ़ज़ा का शरबत बनाकर आप लोगों की प्यास बुझाइए, सवाब कमाइए। इसके लिए 1 लीटर दूध है जिसे मैंने पहले से उबाल कर चीनी डालकर ठंडा करके रख लिया है। यहाँ पर मैं तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून रूह अफ़ज़ा शामिल कर रही हूँ। आप कोई सा भी शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये, पीने में भी जायका इसका बहुत लाजवाब है। मेरे चैनल पर जो नए हैं लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करना मत भूलें। यहाँ पर तुख मलंगा है 1 टेबल स्पून, जिसे पहले से मैंने भिगो कर रख लिया था, वो शामिल कर रही हूँ। शामिल करने के साथ ही यहाँ पर मैं पिस्ता और बादाम शामिल कर रही हूँ। पिस्ता और बादाम शामिल करने के बाद इसको मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। लोग बहुत खुश होकर पीते हैं, जितने आपको हंसते तो ठीक है, आप उतना दूध इस्तेमाल कीजिए, पिस्ता बादाम इस्तेमाल कीजिए। आइसक्रीम शामिल कर रही हूँ, इसको ठंडा ठंडा करूंगी मैं। जितना ठंडा आपका ये रूह अफ़ज़ा का शरबत होगा या कोई सा भी आप यहाँ पर शरबत ले सकते हैं, आपकी अपनी च्वाइस है। यहाँ पर साबूदाना है तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, इसको भी मैंने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया था, वो भी यहाँ शामिल कर रही हूँ मैं। शामिल करने के बाद इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है आपने और साथ ही साथ ठंडा करना है। अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा शरबत रेडी हो चुका है। लोगों को गर्मी में पिलाइए, सवाब कमाइए। बहुत ही आसान तरीका है इसके बनाने का, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो।